लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की नाराजगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। परिवार के लाख मनाने पर भी वो नहीं माने और अपने ही भाई तेजस्वी यादव के फैसले के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने गुरुवार को शिवहर से लालू रावड़ी मोर्चा के प्रत्याशी अंगेश सिंह के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने लालू रावड़ी मोर्चा को ही असली राजद बताया। तेज प्रताप यादव ने शिवहर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले पूर्वी चंपारण जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किया। देर शाम पूर्वी चंपारण के सीमा में प्रवेश करने के बाद उन्होंने सबसे पहले मधुबन में रोड शो किया और यहां काफी संख्या में युवाओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। तेज प्रताप के रोड शो के दौरान जगह जगह काफिला रुकता रहा और वो कार से निकलकर अपने प्रत्याशी अंगेश सिंह को विजयी बनाने की अपील करते रहे। तेज प्रताप ने पकड़ी दयाल और ढाका नगर में भी रोड शो किया। उन्होंने अपने लालू राबड़ी मोर्चा को असली राजद बताते हुए लोगों से समर्थन मांगा। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अपनी ओर से 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। इनमें जहानाबाद से चंद्र प्रकाश और शिवहर से अंगेश कुमार सिंह थे। हालांकि आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने इन दोनों ही जगहों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में तेज प्रताप यादव ने अपना 30वां जन्मदिन मनाया था। इसमें तेजस्वी यादव समेत पूरा परिवार उपस्थित था। इसमें उन्होंने कहा था कि तेजस्वी से उनका कोई मतभेद नहीं है। पूर्वांचल के ऐसी ही लगातार ताज़ा अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।